नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हृदय हार्ट के बारे में। दरअसल हम लोग क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का 6वां अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में सीख पा रहे थे। इसके पूर्व हमने आपको ब्लड के बारे में बताया और ब्लड के कार्य के बारे में बताया, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट हृदय है क्या और ये कैसे वर्किंग करता है, तो हमें इस वीडियो में कई चीज़ों के बारे में सीखना है। थोड़ा हम आपको धमनी तंत्र सिरा के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आपका जो मानव हृदय होता है ये कैसे वर्किंग करता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। हार्ट हृदय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार की एक हृदय पेशियों द्वारा बना होता है। आप देख पा रहे हैं हृदय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हृदय एक विशेष प्रकार की आप देखते हैं हृदय पेशियों द्वारा बना होता है। ये पेशियां जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो हृदय होता है उनकी पेशियां जीवन पर्यंत क्रियाशील नहीं होती, बल्कि आप यह कहेंगे जो हृदय की पेशियां होती हैं जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप करता है। मित्रों जो हार्ट होता है, हार्ट का वर्किंग क्या होता है, इसका काम होता है पंप करना। पंप का मतलब यह है ब्लड को सर्कुलेट करना। मित्रों आप जानते हैं हृदय जब एक बार पंप करता है तो लगभग 1,00,000 किलोमीटर तक आपका जो ब्लड होता है वो रनिंग कर सकता है। अगर आपके नसों में ब्लड प्रवाहित हो रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हृदय का पंप करना। वृक्ष कच्छ गुहा में फेफड़ों के बीच उपस्थित होता है, अर्थात आप यह कह सकते हैं जो आपका हृदय होता है फेफड़ों के मिडिल पाथ में उपस्थित होता है। हृदय का अधिकांश भाग कच्छ के बाईं ओर तथा थोड़ा सा भाग दाईं ओर स्थित होता है। मित्रों आप ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, हृदय का जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग होता है वो बाईं ओर स्थित होता है और थोड़ा सा भाग होता है जो दाहिनी ओर स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं हृदय का जो आकार होता है व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है, अर्थात मानव का मित्र जो हृदय होता है गुलाबी रंग का होता है। दूसरी बात जो मानव का हृदय होता है स्पंदनशील होता है, यानी सिकुड़ता और फैलता रहता है। अगर दूसरे पॉइंट के मित्रों में बात करें यहाँ पर रुधिर वाहिनियाँ, हमें मित्रों रुधिर वाहिनियों का इस वीडियो में बताने का यह पर्पस है क्योंकि जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो आपके हृदय से जुड़ी होती हैं। मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें दो सिराएँ हैं, दो तंत्र हैं, एक धमनी तंत्र है दूसरा सिरा तंत्र है। क्या आप जानते हैं धमनी तंत्र का क्या कार्य होता है? मित्रों जब हृदय जो होता है हार्ट जो होता है जब प्रेशर करता है दाब डालता है तो इसी धमनी तंत्र से आपके शरीर के हर एक ऊतक तक हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है। किस से पहुंचता है मित्रों? धमनी तंत्र से। सिरा क्या होता है? मित्रों सिरा का काम होता है आपके शरीर के बॉडी के हर एक पार्ट से ब्लड को खींचकर पुनः दोबारा हृदय में ले आना। तो आप समझ गए होंगे धमनी का क्या कार्य होता है, सिरा का क्या कार्य होता है। हालांकि इसके बाद वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके समझाने की कोशिश करेंगे धमनी तंत्र और सिरा तंत्र। लेकिन आप एक पॉइंट जरा आप समझ लीजिएगा, धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाती हैं। देखिए फिर समझिए, धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनी का काम होता है जो आपका ब्लड है यानी रुधिर है हृदय से चारों तरफ दौड़ेगा इसी धमनी की सहायता से, राइट। दूसरी बात आप यह कह सकते हो इन धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है क्योंकि जो आपका हृदय होता है वो बिल्कुल प्योर ब्लड को प्यूरिफाइड करके आपके शरीर के हर एक टिश्यूज तक भेजता है। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे सिरा के बारे में, आखिर में सिरा क्या है। मित्रों सिरा एक ऐसी नस होती है आपके बॉडी में जो आपके बॉडी के हर एक पार्ट से हर एक भाग से ब्लड को ले आकर पुनः हार्ट को देता है। हार्ट पुनः उस ब्लड को प्यूरिफाइड करके पुनः शरीर के बॉडियों में भेजना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पर आप समझ सके,
सिराएं शरीर के सब अंगों एवं उत्कों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। राइट, अब मित्रों हम लोग जानेंगे मानव हृदय के क्रियाविधि। आखिर में जो मनुष्य है, बहुत से जीव जंतु हैं जिनके अंदर हार्ट उपस्थित होता है, यह कैसे वर्किंग करता है। मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है, एक और रुधिर को ग्रहण करता है, दूसरी ओर दबाव के साथ विभिन्न अंगों में भेज देता है। यह नियत सतत एवं जीवन पर्यंत काम करता रहता है। अभी जो हमने आपको समझाया वही तो है यहाँ पर मित्रों। हृदय आपका कभी रुकता नहीं, ये जीवन पर्यंत वर्किंग करता रहता है। हार्ट कभी आपका रुकता नहीं कि आप अगर नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपका हार्ट भी बंद हो जाए। शायद इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरे पॉइंट के अगर बात करें, एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है, एक मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। धड़कने का मतलब यह होता है मित्रों, आपका जो हार्ट है एक मिनट में 72 से 75 बार पंप करता है। इसे हृदय स्पंदन दर भी कहा जाता है। दूसरे अगर बात करें सेकेंड पॉइंट के बारे में, क्रमानुसार कार्य करते समय मानव हृदय अपने पेशियों को फैलाता एवं सिकुड़ता रहता है। हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन तथा फैलने की अवस्था को अनुशीथिलन कहा जाता है। इसी के साथ मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।